डियर सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल है, इन सब के बारे में रीड किया था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको ये सब जो मैंने सेंड किया है ये आपको नोटबुक्स में राइट डाउन करना है। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर नेम्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो मान लेते हैं ये ग्लोब है, ठीक है, और ये हमारी जो है इक्वेटर लाइन है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। तो इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर ग्लोब को, अर्थ को टू हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट हेमिस्फीयर का नेम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो सेकंड हेमिस्फीयर है वो क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क्स द नॉर्थन लिमिट ऑफ द ओवरहेड रेज ऑफ द सन। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, सन की जो सीधी जो रेज आती हैं उनको फेस करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो साउदर्न में जो सन की रेज है उसको फोकस करता है। फिर बात आती है आर्कटिक सर्कल की, तो आर्कटिक सर्कल क्या करता है, मेक द नॉर्दर्न लिमिट बिहोंड विच देयर कैन बी डे लाइट और डार्कनेस फॉर मोर देन 24 आवर्स। मतलब क्या है कि आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न लिमिट को शो करता है, नॉर्दर्न पार्ट को शो करता है, ठीक है, और इस सर्कल के जो बाहर का पार्ट है, इसके अगेंस्ट जो पार्ट है वो क्या है, 24 आवर से ज़्यादा या तो सनलाइट फेस करेगा यानी कि डे लाइट, या फिर डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा उस साइड। अब बात आती है अंटार्कटिक सर्कल की, अंटार्कटिक सर्कल साउदर्न लिमिट को फेस करता है और अगर इस लिमिट को क्रॉस किया जाए तो वो क्या है कि वही जिस पार्ट में ये सनलाइट नहीं आएगी तो वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम के लिए, 24 आवर से भी ज़्यादा टाइम के लिए ये क्या रहता है, या तो डे लाइट में या फिर डार्कनेस में जो साउदर्न पार्ट है वो। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, अब हीट जोन्स। हीट जोन्स क्या होते हैं, द क्लाइमेटिक चेंजेस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, जो क्लाइमेटिक चेंजेस है हॉट से लेकर कोल्ड तक, ये कैसे मूव करते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होता रहेगा, जो गर्मी है यानी कि हॉटनेस है वो कोल्डनेस में धीरे धीरे चेंज होती रहेगी। जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, चेंजेस फ्रॉम हॉट टू वार्म, वार्म टू कूल, यानी कि पहले गर्म हॉट होगा, उसके बाद थोड़ी हॉटनेस धीरे धीरे कम होगी, कम होकर ये कूल में चला जाएगा, कूल के बाद ये फ्रीजिंग स्टेट में भी चला जाएगा, जैसे ही जैसे हम किसकी तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ मूव करेंगे। अब ये पोल्स क्या सिस्टम है ये भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर ये कोई ग्लोब है, ठीक है, और ये बात आती है इक्वेटर की, और इक्वेटर लाइन से यहाँ ये जो पॉइंट है ये पोल्स है। इक्वेटर से हम जैसे जैसे पोल्स पे जाएंगे तो धीरे धीरे जो हॉट टेम्परेचर है वो किस में चेंज हो जाएगा, कूल में या फिर कोल्ड में चेंज हो जाएगा एज़ हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे तब। दिस हैपन्स सिंस द सनरेज बिकम्स इंक्रीजिंग स्लैंटिंग। ये क्यों होता है, क्योंकि सनरेज जो है, सनरेज में चेंजेस आएगी जैसे जैसे हम मूव करेंगे, तो जो अर्थ सरफेस है वो धीरे धीरे कम हीट होगी, कहाँ पे, पोल्स की तरफ। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब क्या है कि हमारा जो अर्थ है स्टूडेंट्स, ये 3 जोन्स में डिवाइडेड है। इन जोन्स की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का आपका होमवर्क इतना ही है कि जितना मैंने आपको ये चैप्टर रीड करवाया है इसे आप अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से समझिए एंड स्टडी में कंटिन्यू रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हेल्दी।